हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक्ष वोरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। शुरू करते हैं। ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के अंदर देखो लार्जली वैसे पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। अपने काम की क्या है, ये यूजुअली जो है हर काफ़ी लंबे टाइम से ये सीबीआई के ऊपर चल रहा है, और सीबीआई वैसे भी जो है न्यूज़ वगैरह के अंदर रहता है। तो आज अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि नहीं, क्या है सीबीआई का, यहाँ पे क्या रोल वगैरह है, वो सबको एक बार देखते हैं, ठीक है। और बाकी तो जो है सब चलता रहता है पॉलिटिकल्स। यहाँ पे देखो सीबीआई का अगर इंट्रो देखे तो सीबीआई एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1963 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था। इसके रिगार्डिंग जो है सेपरेट कोई भी एक्ट नहीं है, इसीलिए एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कौन से एक्ट से, बाकी दूसरे कौन से एक्ट से ये अपने पावर डिराइव करती है? सबसे पहला है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। 1946 का ये एक्ट है, इंडिपेंडेंस से भी पहले का। और लार्जली जितनी भी सारी पावर्स है वो यहीं से डिराइव कर रही है। उसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट के अंदर भी सीबीआई के बारे में कुछ कुछ लिख रखा है, और सीबीसी एक्ट जो सेंट्रल बिजनेस कमीशन एक्ट है उसके अंदर भी कुछ कुछ लिख रखा है, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, किसके रिकमेंडेशन के ऊपर सीबीआई बना था? तो सांतानाम कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर सीबीआई बना था 1963 के अंदर, और सांतानाम कमेटी जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के रिगार्डिंग फॉर्म की गई थी। सुनना, अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ इसके जो डायरेक्टर होते हैं और जो बाकी के अदर ऑफिसर्स होते हैं, इनमें से डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तो एक 3 मेंबर कमेटी करती है जिसके अंदर पीएम होते हैं, और पीएम अगर हैं तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और सीजीआई या फिर अदर सच जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट के, जिसे सीजीआई डिजिग्नेट करते हैं कि भाई आप जाओ इस कमेटी के अंदर। समझ में आया। उसके अलावा ऑल अदर ऑफिसर्स अबव रैंक ऑफ या फिर ऑफ रैंक ऑफ एसपी और अबव, ठीक है। तो एसपी या उससे ऊपर के रैंक के जितने भी होते हैं उन ऑफिसर्स को सीवीसी के रिकमेंडेशन के बगैर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इनके अंदर दो टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, एक तो जो शॉर्ट टाइम के लिए टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होते हैं, और एक जो परमानेंट या फिर लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। टेम्प्रेरी पीरियड वो जैसे कि आप जो है आईपीएस बने स्टेट के अंदर, ठीक है, आपका राजस्थान कार्डर है, महाराष्ट्र कार्डर है, कुछ भी कार्डर है, वहाँ से आप धीरे 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 एसीपी बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, जो कुछ भी बनते हैं, और उसके बाद में फिर आपको जो है सीबीआई के अंदर सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो सकती है। परमानेंट ये हो सकता है कि भाई आप डायरेक्टली जो है सीबीआई के जो एग्जाम्स होते हैं उन्हें क्रैक करके डायरेक्टली सीबीआई के अंदर ही गए हैं सीधा। समझ में, ठीक है। केसेस की अगर बात करें तो किस टाइप के केसेस सीबीआई उठाता है? सबसे पहले करप्शन और ब्राइबरी के केसेस, उसके अलावा फिस्कल और इकोनॉमिक जो लॉज हैं उनके केसेस, ठीक है। तो इसके अंदर एक्साइज और आईटी वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब जो केस, ये जो डेप्यूटी सीएम है कहाँ के, दिल्ली के, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो इसी के अंदर चल रहे हैं, फिस्कल इकोनॉमिक लॉज वगैरह के अंदर, उससे रिलेटेड। समझ में आ। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जिसमें टेररिज्म को इंक्लूड नहीं किया जाता, ऑर्गेनाइज क्राइम जैसे कि डी कंपनी, ठीक है, जो दाऊद की जो कंपनी थी डी कंपनी, ठीक है, तो उस टाइप का ऑर्गेनाइज क्राइम अनटिल एंड अनलेस वो टेररिज्म के अंदर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर टेररिज्म के अंदर आएगा तो उससे कौन डील करेगा? उससे एनआईए डील करेगा, जिसे 2008 के बाद फॉर्म करा गया था। समझ में। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेशन विद एंटी करप्शन एजेंसी, कोऑर्डिनेशन विद एंटी करप्शन एजेंसी, जो बाकी की एजेंसीज है जैसे कि सीवीसी और स्टेट के जो अलग अलग कमीशंस वगैरह हैं, स्टेट की जो अलग अलग बॉडीज हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टेट पुलिस के साथ में भी कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके अलावा जो है ये मेंटेन करते हैं क्राइम स्टैट्स को, यानी कि जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं कि भाई कितना क्राइम कहाँ पे किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, उसका भी ये मेंटेनेंस देते हैं। तो अब ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेयर वी शुड फोकस, ठीक है। ये सब चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसके अंदर 3 4 स्टेटमेंट दे दिए होंगे, और उसमें से बोलेंगे कि भाई अब आप ऑप्शंस ढूंढो। तो अगर आपको इनका टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है कि क्या कवर कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। जैसे फिजिकल और इकोनॉमिक लॉस तो ठीक है ना। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये तो एनआईए डील कर सकता है ना, लेकिन ये भी डील करते हैं। करप्शन ब्राइबरी के अंदर आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो सीबीसी वगैरह डील करते होंगे, लेकिन ये भी डील करते हैं। उसके अलावा मेंटेनिंग क्राइम स्टैट्स आपको लगेगा कि भाई ये एनसीआरबी और वो अदर जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनका ये काम होगा, लेकिन ये भी स्टैट्स को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा ऐसा कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस,
उसके अलावा ऐसा कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस जिसे जो है स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे, तो उसे भी ये लोग जो है अपने एम्बिट के अंदर लेंगे, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। याद रखना ये स्टेट की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और यही वो एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है किसके साथ, इंटरपोल के साथ। समझ में आया? उसके अलावा क्या चीज़ है, एनी केस आफ्टर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन्हें ऑर्डर करें किसी भी केस को अंडरटेक करने को, तो ये उसे भी अंडरटेक कर सकते हैं। और यहाँ पर कन्वेंशनल केसेस जैसे कि मर्डर, किडनैप, रेप एटसेट्रा भी आ सकता है, अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन्हें ऐसा कहे उठाने को। समझ में आया? देन सीबीआई के बारे में देखें तो ये कुछ मेन्स पर्सपेक्टिव्स है सीबीआई के अंदर, व्हाट कैन बी डन फॉर बेटरमेंट। ठीक है, बाकी तो प्री के अंदर आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ की जो फंक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, केसेस किस टाइप के उठाते हैं, तो ये तो प्री के अंदर आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे इनके अपॉइंटमेंट वगैरह की चीज़ें प्री के अंदर आ सकती है, एक्ट वगैरह ये सब चीज़ें प्री के अंदर आ सकती है, लेकिन इनके बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को ऐसे समझना कि सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर जो है मल्टीपल बार वॉइस उठा चुका है कि सीबीआई जो है सीबीआई इज एक्टिंग लाइक अ पपेट इन केज। समझ में आया? सीबीआई इज एक्टिंग या फिर इज एक्ट्स डज एक्ट्स लाइक अ पपेट पपेट इन केज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई पिंजरे के तोते की तरह ये जो है एक्ट करते हैं, और ये पिंजरा किसका है, ये पिंजरा सेंट्रल गवर्नमेंट का है या फिर यूनियन गवर्नमेंट का है। जो भी गवर्नमेंट यूनियन के अंदर पावर में होती है वो जैसा जैसा इन्हें कहने को कहती है वैसा वैसा ये कह देते हैं। समझ में आया? तो इसकी वजह से क्या इशू आता है, इसकी वजह से जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पार्टीशन होनी चाहिए, जो कि जो है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर अपन इनके बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं और कौन से इश्यूज हैं, ये पपेट इन केज वाला तो मैंने बता दिया। उसके अलावा एक ये भी है कि भाई लैक ऑफ ऑटोनॉमी भी है, ये यहाँ पर लिख नहीं रखा है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, आपको रजिस्टर में मेरे ख्याल से लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो एक तो लैक ऑफ ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी की कमी है ना। ऑटोनॉमी के अलावा क्या चीज़ है, इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना होने की वजह से इनकी रीच कम हो जाती है, टाइम टेकन इंक्रीज हो जाता है ना, और बाकी के जो इश्यूज हैं वो इनको फेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है टाइम वैसे भी इन्हें ज़्यादा लग रहा है, और जो पर्सोनल है लैक ऑफ पर्सोनल भी है। अभी कितना पर्सोनल है, अभी अराउंड जो है 5,000 के करीब सीबीआई के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सोचो कि भाई पूरे इंडिया के केसेस, ठीक है, इन्हें डील करने और वैरायटी ऑफ केसेस डील करने, तो उस सिनेरियो के अंदर ये जो है पर्सनल कम पड़ता है। समझ में आया? क्या कर सकते हैं इनके बेटरमेंट के लिए, डिवोर्स सीबीआई एंड गवर्नमेंट, तो सीबीआई और गवर्नमेंट को कम्प्लीटली अलग अलग कर दिया जाए, जिसका कहने का मतलब है कि भाई इन्हें ऑटोनॉमी दी जाए या फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेचर दिया जाए। समझ में आया? इंडिपेंडेंट स्टेचर दिया जाए, ये गवर्नमेंट से अलग हो, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हो, जस्ट लाइक सीईसी और सीएजी। समझ में आया? ठीक है, अब सीईसी सीएजी क्या चीज़ है, सीईसी जो है अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, और उसके अलावा जो सीएजी है कंट्रोलर है ऑडिटर जनरल। समझ में आया? तो इस टाइप का इनको वो मिलना चाहिए। उसके बाद क्या चीज़ है, प्रोवाइड स्टैट्यूटरी स्टेटस, स्टैट्यूटरी स्टेटस दें। अभी अपन ने पढ़ा कि भाई स्टैट्यूटरी स्टेटस अभी तक नहीं मिला है। समझ में आया? पर्टिकुलर लॉज के अंदर इनके मेंशन कर रखा है, लेकिन इनके ऊपर इनके इनके रिगार्डिंग अलग से कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है। ठीक है, कौन से लॉज में मेंशन कर रखा है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013 और सीवीसी एक्ट 2003। समझ में आया? बेटर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर अपन बेटर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर जो है स्पीडी जस्टिस की तरफ अपन इस चीज़ को ले जा सकते हैं। सेकंड एआरसी और एलपी सिंह कमेटी, इन दोनों ही कमेटी ने, सेकंड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और एलपी सिंह कमेटी, इन दोनों ने ही मोर पावर की मांग करी थी कि भाई सीबीआई को ज़्यादा पावर्स प्रोवाइड करी जाए और मोर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करी जाए। समझना? चलिए आगे की न्यूज़ पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चंस डील करते हैं। हाँ, आगे की न्यूज देखने से पहले एक बार क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं कल के सीए से। वेयर इज मैकमोहन लाइन प्रेजेंट, तो मैकमोहन लाइन कहाँ पर है, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, इनके आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर या तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर जब वीडियो अपलोड होगा,
ठीक है। और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव जो गूगल मीट्स हैं वहाँ पर भी आप मैसेजेस के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो के एंड में इन्हें डिस्कस करूँगा। वेयर इज़ मैकमोहन लाइन प्रेजेंट? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया चाइना बॉर्डर एट तवांग, इंडिया चाइना बॉर्डर एट अरुणाचल प्रदेश, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर एट अक्साई चीन, ठीक है। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 100, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर इंडिकेटर स्पीसीज? मॉथ, बटरफ्लाई, यूरेशियन ऑटर्स, फ्रॉग्स। कल अपन ने इन सब चीज़ों को डील करा था, फ्रॉग्स का नहीं देखा था, ठीक है, बाकी सबको डील करा था। तो ये आप सोचो और बताओ, इंडिकेटर स्पीसीज के ऊपर टाइम एंड अगेन क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके ये सारे हैं, टू ओनली, वन एंड टू, थ्री, वन टू थ्री फोर, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग एज ट्रिब्यूटरीज एंड देयर मेन रिवर्स। इसको जो है आप बताओ कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं और कौन कौन सी उनमें मेन रिवर्स हैं। तो स्वात काबुल की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है, नूबरा श्योक की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है, जास्कर इंडस की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है, और किशन गंगा जो है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है कि नहीं है। यहाँ पे ये आपके ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक पेयर सही है, इनमें से दो पेयर सही है, इनमें से कोई भी तीन पेयर सही है, फिर ये चारों के चारों पेयर सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस आर इन इंडिया ओनली? इसमें से कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरीज सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है और किसी कंट्री के अंदर नहीं है? तो झेलम, रवि, ब्यास, जास्कर, श्योक और सोहन, ये सारे आपके जो है स्टेटमेंट टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे ये ऑप्शन है जिसके अंदर वन एंड टू, थ्री, थ्री फोर फाइव और टू एंड सिक्स है, ठीक है। एक बार इसको वापस देख लो, ये सारे इंडस की ट्रिब्यूटरीज इसमें से कौन कौन सी है, रिवर इंडस, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर क्लोज टू ईस्ट चाइना सी? अब इन स्टेट्स को अपन ने टाइम एंड अगेन अलग अलग लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, कल मैंने आपको नहीं पढ़ाया था इनमें से सिवाय एक स्टेट के, और बाकी किसी भी स्टेट को नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन कौन से स्टेट ईस्ट चाइना सी के पास में है, चेजू स्टेट, हैनिन स्टेट, ताइवान स्टेट या फिर मकसर स्टेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इन टू ब्लैक सी? इसमें से कौन सी रिवर जो है वो ब्लैक सी में ड्रेन करती है? ये वाला जो है ये मैंने डील करा था जब मैप्स अपन ने डिस्कस करे थे, ठीक है। चैनल के ऊपर ही मैप्स के लिंक भी डाल रखे हैं, तो वहाँ पे अपन ने ब्लैक सी वगैरह डिस्कस करा था, तब अपन ने इसको डील करा था। तो नाइस्टर, डेन्यूब और वोल्गा और नाइपर, ठीक है, ये सारा आपका ऑप्शन है, नाइस्टर, डेन्यूब, वोल्गा, नाइपर। अब इनमें से कौन सा इनकरेक्ट वन है, ठीक है। वन ओनली, सिर्फ नाइस्टर, थ्री एंड फोर, ठीक है, वोल्गा एंड नाइपर, और टू एंड थ्री, डेन्यूब नाइपर, और वन एंड टू, ठीक है, नाइस्टर एंड नाइपर। क्या क्वेश्चन क्या है, कौन सी रिवर्स ड्रेन करती है ब्लैक सी के अंदर, ठीक है, और इनकरेक्ट ढूंढना है। व्हाट इज द रूट कॉज? नाउ दिस इज ट्रिकी, इसको आराम से पढ़ना, आराम से इसको एनालाइज करके फिर आंसर लिखना, ठीक है। व्हाट इज द रूट कॉज, ठीक है, वॉट इज द रूट कॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग कोल्डनेस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज या फिर नदर्न एंड सदर्न मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। प्रिवेलेंस ऑफ रिलीजियस डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज ऑफ द साइट्स, मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच में रिलीजियस डिवाइड है ना। लैक ऑफ कंसेंसस ऑन इजराइल पैलेस्टीनियन इशू, ठीक है। फाइट टू टेक द थ्रोन आफ्टर ऑटोमन फॉल, तो ऑटोमन एम्पायर के फॉल के बाद अब जो है मुस्लिम एम्पायर का थ्रोन इनमें से नॉर्थ को लेना, साउथ को लेना, उसकी लड़ाई है। एस्टैब्लिशमेंट फॉरेन रिलेशंस विद एस्टैब्लिश्ड फॉरेन रिलेशंस विद टू डिफरेंट ब्लॉक्स वेयर नदन इज लीनिंग टूवर्ड्स रशिया एंड चाइना एंड सदन लीन्स टूवर्ड्स यूएस एंड वेस्ट, ठीक है। तो इसमें से आपको ढूंढ के बताना है कौन सा आंसर सही है, ए बी सी डी, यही आपके ऑप्शन है, ठीक है। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? इस लेक्चर के पीडीएफ के लिंक आपको जो है टेलीग्राम से मिल सकती है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, यहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें। उसके अलावा ये कुछ पुराने लेक्चर्स हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ। अब आप अपने टेलीग्राम सेव्ड मैसेजेस के अंदर भी इसे शेयर कर सकते हैं। ये टेलीग्राम जो भी यूट्यूब के ऊपर देख रहा है, ये टेलीग्राम जो है उसका लिंक है, ग्रुप का लिंक है, इसको स्कैन करके आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ दिखता है नोटिफिकेशंस ऑन करके, यहाँ पर आप आपके जो है डिस्कशन वगैरह भी पुट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं वीडियो में। चलो,
बीआरओ ओपन्स फर्स्ट न्यूज जो है वो यहाँ पर बीआरओ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जोजी ला पास को बहुत जल्दी खोल दिया है। तो अब जोजी ला पास ये क्या है, ये क्लीन करते हैं, एक रोड है जो कि बर्फ़ के अंदर भर जाती है सर्दियों के अंदर, फिर इसके बाद वापस इसको क्लीन करते हैं और ये जो है लिंक करती है किसको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, समझ में आया, ठीक है। ऊपर जो है जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लिंक करती है। अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में क्वेश्चन पूछते रहते हैं और प्री में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर अक्सर जो है अलग अलग पासेस वगैरह के ऊपर पूछते हैं। तो ये जोजीला भी जैसे एक पास है, वैसे और भी दूसरे काफ़ी सारे पासेस हैं, उन सबको देखते हैं। ये जोजीला है, ठीक है। जोजीला के अलावा देखो यहाँ पे जोजीला किधर है, यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है और इधर जो है लद्दाख वाली टेरिटरीज है, तो इन दोनों को लिंक कर रहा है ना। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, जोजीला हो गया, जोजीला के अलावा यहाँ पर देखो इधर खारदुंगला है। खारदुंगला कहाँ है, खारदुंगला लद्दाख के अंदर है, चांगला भी लद्दाख के अंदर है, लनक ला जो है लनक ला इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक है। केप्सांग ला भी इंडिया और चाइना के बीच में है, जरा ला इधर है, ठीक है। इमिस ला, देखो धीरे धीरे वापस वापस इनका रिविजन करना पड़ेगा, एक बार में तो ये याद होगी नहीं, जितनी हो उतनी बढ़िया है। और क्वेश्चन ये कहीं से भी पूछते रहते हैं, जैसे बारा लाचा ला के ऊपर मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चन आ चुका है, रोहतांग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, बनिहाल पास के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है ना, शिपकीला के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, माना पास के ऊपर भी शायद क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है। अब यार एक्चुअली क्या होता है कि कई बार काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज भी दी है तो कई बार वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मिनटक्का पास यहाँ पर है, मिनटक्का पास ऊपर है, मिनटक्का पास के अलावा और क्या चीज़ है, यहाँ पर काराकोरम पास है। काराकोरम पास समझना आराम से, काराकोरम पास सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर आता है, इंडिया और चाइना के बीच में है अग्रीड, लेकिन है इंडिया की तरफ, समझना, ठीक है, चाइना के कंट्रोल में नहीं है। कारा तकला, ठीक है, ये सब चीज़ें, अगिल पास वगैरह यहाँ पर है। खाइबर पास बहुत ज़्यादा फेमस है, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री के केस के अंदर भी खाइबर पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाइबर पास अफगानिस्तान को और अर्स्ट वाइल इंडिया को कनेक्ट करता था। अर्स्ट वाइल इंडिया क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान आ गया, ठीक है, पहले इंडिया यहाँ तक था। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, इधर लीपुले है ना, ठीक है, लीपुले हो गया, ये उत्तराखंड वाला रीजन है, उत्तराखंड के अलावा यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश है। तो शिपकीला कहाँ है, वो हिमाचल प्रदेश में, वहीं नीति पास और माना पास कहाँ है, ये उत्तराखंड में, समझ में आप। फिर क्या चीज़ है, पोलैंड टू बी फर्स्ट नेटो मेंबर टू गिव मिग 29 फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। यूक्रेन को फाइनली जो है, ये कुछ लंबे टाइम से चल रहा था कि यूक्रेन जो है पोलैंड को कह रहा था कि तुम्हारे जो फाइटर जेट्स हैं वो हमको दे दो और तुम दूसरे फाइटर जेट्स ले लेना यूएसए से, ठीक है, ऐसा प्लान वगैरह कुछ कुछ बनाया था। तब तो पोलैंड ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और हम जो है रशिया के खिलाफ उतरने वाले नहीं हैं, लेकिन अब जो है पोलैंड अग्री कर रहा है इस बात को और पोलैंड कह रहा है कि भाई हम हमारे कुछ फाइटर जेट्स जो हैं वो यूक्रेन को देंगे। मिग 29 फाइटर जेट्स कौन बनाता है, रशिया ही बनाता है, मतलब पहले बनाता था, अब तो खैर बनाना शायद बंद कर दिया है, तो कुछ पुराने फाइटर जेट्स हैं। तो ये अब पोलैंड के पास कैसा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर ही लिखा हुआ है वॉर्सो। वॉट इज वॉर्सो, वॉर्सो वॉज द कैपिटल ऑफ वॉर्सो पैक्ट, समझ में आया, ठीक है, वॉर्सो वॉज द कैपिटल ऑफ वॉर्सो पैक्ट। और ये वॉर्सो पैक्ट क्या चीज़ थी, वॉर्सो पैक्ट जो है वो फ्रंट था यूएसएसआर का, किसके खिलाफ, यूएस और नेटो के खिलाफ, समझ में आया, ठीक है, तो नेटो के खिलाफ यूएसएसआर का फ्रंट था ये। और अगर बात करें तो पहले पोलैंड जो है वो यूएसएसआर के कंट्रोल में ही हुआ करता था, ठीक है, तो इसलिए वॉर्सो यहाँ पर है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये पोलैंड का मैप लगा रखा है। पोलैंड के मैप के बारे में अगर देखें तो ऊपर बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के अलावा यहाँ पे ये कैलिनिनग्राड है। कैलिनिनग्राड क्या चीज़ है, ये रशिया का ही एरिया है, समझ में आया, ठीक है, रशिया का ही एरिया है। नॉर्थ स्ट्रीम भी लगती है यहाँ पर, नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में अभी अपन ने कुछ दिन पहले डिस्कस करा था, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताएं वॉट इज नॉर्थ स्ट्रीम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, कैलिनिनग्राड के अलावा कुछ बाल्टिक नेशंस आ जाते हैं ऊपर, जैसे कि लिथुआनिया है ना, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, लिथुआनिया देखो यहाँ पे लाटविया लिथुआनिया और अपने जो है उसके अलावा इधर नीचे बेलारूस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझो कि बेलारूस जो है, बेलारूस और रशिया ये दोनों ही क्लोज एलाइज हैं किसके, सॉरी, बेलारूस और क्लेनिनग्राड, ठीक है, ये दोनों ही अंडर इन्फ्लुएंस है किसके, रशिया के, समझ में, ठीक है। अब रशिया की इन्फ्लुएंस के अंदर है और यहाँ पर पोलैंड है, तो स्ट्रेटेजिकली पोलैंड जो है वो अब कहीं ना कहीं काउंटर भी कर सकता है या फिर पोलैंड को भी काउंटर करने के काम आ सकता है, क्योंकि पोलैंड जो है एक नेटो एलाई है, समझ में, नेटो कंट्री है पोलैंड,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, पोलैंड के अंदर कौन कौन सी रिवर्स है, तो विस्तुआला रिवर है, विस्तुआला के अलावा नॉटेक रिवर है, नॉटेक के अलावा यहाँ पे विस्तुआला वगैरह जरिए बग रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, बग रिवर जो है ये भी ब्लैक सी के अंदर ड्रेन करती है, यहाँ से वापस जाती है ब्लैक सी में ड्रेन करेंगी। फिर उसके अलावा विस्तुआला इधर हो गया, विस्तुआला बग हो गया, ठीक है, ओडेर रिवर हो गया, नॉटेक रिवर हो गया, है ना। और क्या चीज़ है यहाँ पर, सुडैटिक माउंटेन्स है, सुडैटिक माउंटेन्स के अलावा कार्पेथियन माउंटेन्स है, ठीक है। तो कार्पेथियन को बहुत ज़्यादा याद रखना, कार्पेथियन इज इंपॉर्टेंट, कार्पेथियन माउंटेन्स, सुडैटिक माउंटेन्स, इधर चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया, चेको स्लोवाकिया पहले ही कंट्री थी, है ना। और क्या है, बस लार्जली यही चीज़ें, कैपिटल है इसकी वॉर्सो। चलो नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ पर क्रेडिट स्विस जो बैंक है वो भी वापस जो है कोलैप्स करने की कगार पे थी, लेकिन उसको 54 बिलियन डॉलर्स का कहीं ना कहीं लाइफ लाइन टाइप प्रोवाइड करी गई। ये जो बैंक है ये एक स्विस बैंक है, स्विस सेंट्रल बैंक, ठीक है, नहीं सॉरी, ये जो बैंक है ये एक स्विस बैंक है ना, और स्विस सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर इसको लिक्विडिटी वगैरह प्रोवाइड करी है। अब यहाँ पर ये बात है कि 2008 के बाद ये पहली बड़ी बैंक है यूएस के बाहर जो कि है क्रैश करी है, ठीक है। क्रेडिट स्विस इज़ अ वेरी वेरी बिग बैंक, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, ये यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है, ठीक है, यूरो सिस्टम वगैरह जो भी यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इन्होंने भी इसको कुछ कुछ जो है प्रोवाइड करा है। ऑल्दो अभी तक जो है इसकी रेटिंग वगैरह, इसके शेयर्स वगैरह थोड़े ज़्यादा जो है ऊपर नहीं उठे हैं, ठीक है, हालत थोड़ी ख़राब है। यहाँ से अपन को क्या देखने को मिलता है, यहाँ से अपन को फेड टेपरिंग के बारे में देखने को मिलता है। फेड टेपरिंग के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस से रिवीजन करेंगे। फेड टेपरिंग का कंसेप्ट देखें तो फेड टेपरिंग, व्हाट इज़ फेड टेपरिंग, फेड टेपरिंग इज इन्फ्लेशन इन यूएस वेयर फेडर जो वहाँ की फेडरल रिजर्व है विच इंक्रीजेज रेपो रेट फॉर अ टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, समझ में आया, ठीक है। तो वो रेपो रेट को, वहाँ की फेडरल रिजर्व रेपो रेट को इंक्रीज़ करती है ताकि वहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेशन को चेक में रखा जा सके। साइड इफेक्ट, अगर इसका क्या साइड इफेक्ट है, तो साइड इफेक्ट इसका ये होता है, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी वजह से क्या चीज़ होती है, तो यहां पर देखो, इफ लोन इंटरेस्ट रेट्स इन यूएस राइजेस, अगर यूएस के अंदर अगर जो है, हाँ, अगर यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट वगैरह राइज होता है तो उससे क्या इफेक्ट होने वाला है, उससे यहां पर ये देखो एक टू वे स्ट्रीट है। अगर वहां पर लोन रेट राइज होगा, ठीक है, लेट्स से यूएस के अंदर लोन रेट राइज हुआ, तो यहां पर जो इन्वेस्टर थे, ठीक है, वो इन्वेस्टर क्या करेंगे, यहां से पैसा निकालेंगे और वहां पर पैसा डालेंगे। और पैसा क्यों डालेंगे, अब ये लोन से क्या होता है, लोन इंटरेस्ट रेट राइज से क्या होता है, अगर लोन इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो पैसा नीचे कम होगा, समझ में आया, ठीक है। पैसा जो है बैंक्स के पास पैसा कम होगा रोल आउट करने के लिए, लोन वगैरह देने के लिए, लोग लोन लेना भी कम चाहेंगे क्योंकि भाई लोन जो है महंगा हो जाएगा, है ना, लोन महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या चीज़ होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन कम होने लगेगा क्योंकि पैसा कम होने लगेगा पूरे मार्केट के अंदर। बट इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इन्वेस्टर्स बाकी की कंट्रीज में हैं, वो क्या करेंगे, वो अपना पैसा वहां से निकाल के यहाँ लगाएंगे क्योंकि ये जो है कंपैरेटिवली सिक्योर चीज़ है। और अब यहाँ पर लोन की अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हो जाएगी, समझ में आया, ठीक है। अगर वो खुद लोन प्रोवाइड करेंगे तो उसकी भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, इन टर्न वापस से पैसा जो है मार्केट के अंदर आ रहा होता है, तो पैसा कम भी हो रहा है, पैसा आ भी रहा है, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, स्ट्रीट टू वे स्ट्रीट वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। सो FPIs फ्रॉम वर्ल्ड ओवर वुड कम बैक टू US, समझ में आया, इफेक्ट इन US, जिसकी वजह से US के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, US में जो इन्फ्लेशन है वो नीचे तो जाएगा लेकिन उतना नीचे नहीं जाएगा जितना सोचा था, क्योंकि कम तो हुआ लेकिन साथ में और बढ़ भी गया, समझ में आया। इंडिया के अंदर इससे क्या इफेक्ट आने वाला है, तो इंडिया के अंदर मार्केट स्लो डाउन देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ भी डॉलर नहीं होंगे, और डॉलर नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा अगर, ठीक है, मनी नहीं होगा अगर इंडस्ट्री के पास, ठीक है, ऑलराइट, मनी नहीं होगा अगर इंडस्ट्री के पास तो ग्रोथ कैसे होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, समझ में आया। देयर फोर इंडियन इन्वेस्टर्स विल ऑल्सो लूज मनी, समझ में आया, इसीलिए इंडियन इन्वेस्टर्स जो होंगे उनका भी लॉस होगा क्योंकि कंपनीज ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। इन्वेस्टर्स गो बैक, इस वजह से क्या चीज़ होने वाली है, इन्वेस्टर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स वापस से रिवर्ट बैक करेंगे किसकी तरफ, गोल्ड की तरफ, समझ में आया, ठीक है। और